लैपटॉप सर्च कर रहे हो जो कि बेस्ट तो होना ही चाहिए, वो भी बिल्कुल एकदम बजट में, तो जल्दी से कर लो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हुए, और हाँ वीडियो को ना पूरा और एंड तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि क्या क्या है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और क्या होने वाला है इसका प्राइस, सब कुछ हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये है यहाँ पे आसूस का वीवो बुक 14 जो कि आता है राइजन 5 के 3500U प्रोसेसर के साथ में। वेल प्रोसेसर की बात करें तो ये एक AMD का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो ऑपरेट होता है 2.1 GHz पे, और आप इसको टर्बो बूस्ट भी कर सकते हो 3.7 GHz तक। वेल प्रोसेसर के अंदर आपको 6 MB का कैश मेमोरी मिल जाता है और AMD का रेडॉन का वेगा 8 का ग्राफिक सपोर्ट प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेटेड किया हुआ मिल जाता है आपको। इसमें आपको 8 GB का रैम मिल जाता है जो कि 2400 MHz पे ऑपरेट होता है, ये DDR4 सीरीज का रैम है, और एक और खाली स्लॉट मिल जाता है, आप चाहो तो रैम को इन फ्यूचर 12 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें SSD वेरिएंट का स्टोरेज ड्राइव मिलता है 512 GB का, और एक और साथ में खाली स्लॉट दिया हुआ है, आप चाहो तो इन फ्यूचर उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। वेल अगर इस लैपटॉप को बाहर से हम एक्सटर्नली देखें ना, तो इसका जो कलर है ये पीकॉक ब्लू कलर में आता है, और दिखने में ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, यू नो काफी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि ये एक 14-inch का लैपटॉप है, और इस लैपटॉप का भी जो वेट है ना मार्केट के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही है, इट्स लाइक 1.5 kg रॉ लैपटॉप का वेट है, और इसको कैरी करना तो यू नो इट्स लाइक बटरी स्मूथ, ये काफी कॉम्पैक्ट भी है, आपके बैकपैक में भी इजीली आ जाएगा, और यू नो लाइट वेट है तो उतना आपको फील भी नहीं होगा। एक्सटर्नल व्यू को देखते हुए जैसे ही हम आते हैं इसके राइट साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख जाता है एक microSD कार्ड रीडर का स्लॉट, एक चार्जिंग लाइट इंडिकेटर, एक USB वर्जन 2 का पोर्ट, और जैसे ही हम स्विच करते हैं इसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख जाता है 3.5mm ऑडियो कॉम्बो जैक, एक USB टाइप सी कनेक्टर, एक USB वर्जन 3.2 का कनेक्टर, और HDMI केबल का सपोर्ट, चार्जिंग पिन कनेक्टर। अगर पोर्ट्स की बात करें ना, तो इस लैपटॉप में यू नो कंपैरेटिवली थोड़े पोर्ट्स कम ही दिए गए हैं। जैसे ही हम इस लैपटॉप को ओपन करते ना, तो अंदर से भी इसका कलर यू नो बहुत ही फैंटास्टिक है, और सबसे पहले अगर हम इसके कीबोर्ड पे नजर डालें, तो इसका कीबोर्ड का जो लेआउट डिजाइन है ये एक्चुअली में बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मतलब बटन टू बटन का जो स्पेस है वो भी काफी अच्छा है, और क्योंकि ये एक 14-inch का लैपटॉप है, तो आपको एक डेडिकेटेड नंबर का कीपैड जो बटन है ना वो अवेलेबल नहीं मिलता है, और इसका जो टच पैड का साइज है वो भी यू नो डिसेंट है, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट सेंसर में मुझे कभी कभार यू नो हल्का सा एक लैगिंग फील होता है। जैसे ही हम नजर डालते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो आसूस ने तो भाई यहाँ पे कमाल ही कर दिया है, मतलब इसका जो साइड के बेजल्स जो बॉर्डर है ना वो इतने थिन है, और सिर्फ साइड्स के ही थिन नहीं है, ऊपर के और नीचे के भी काफी थिन है, मतलब 14-inch के अकॉर्डिंग ना ये लैपटॉप का जो स्क्रीन है एक्चुअली में बड़ा ही लगता है, क्योंकि इसका स्क्रीन टू बॉडी का जो रेशियो है वो 87% का है, और इसमें एंटी ग्लेयर का टेक्नोलॉजी यूज किया है, मतलब जो रबर मैटिंग फिनिश के साथ में आता है, मतलब पीछे से आने वाला जो लाइट है ना वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें ना, तो इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, और अगर कलर सैचुरेशन वगैरह की बात करें ना, तो इसका जो कलर सैचुरेशन है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट का रेशियो है कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो डे टू डे लाइफ में उतना मैटर नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर रहे हो तभी आपको यू नो इसका जो ब्राइटनेस है वो मतलब उतना व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप कोई आउटडोर कंडीशन में एक्सटर्नली कोई छाव में यूज कर रहे हो तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस वहाँ पे कमाल का होगा, और इंडोर कंडीशन में तो यू नो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस इंडोर कंडीशन में कमाल का है। और जैसे ही हम नज़र डालते हैं इसके ऊपर वेबकैम पे, तो ये एक्चुअली एक HD 720p का वेबकैम है, लेकिन इसका जो क्वालिटी निकल के आता है ना इट्स एक्चुअली डिसेंट, मतलब यू नो ठीक ठाक तरीके से आपका काम निकल जाएगा। अगर आप कोई ऑफिस वगैरह के कोई सेमिनार वगैरह या फिर कोई ऑफिस क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हो, अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना ठीक ठाक हो जाएगा। इसका जो डिस्प्ले आता है ना ये एक फुल LED HD IPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और इसमें आपको ड्यूअल बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है जो कि सोनिक मास्टर की तरफ से आता है, और स्पीकर का जो साउंड क्वालिटी है ना क्वालिटी एक्चुअली बहुत बढ़िया है, मतलब जो बीट्स इसमें से निकल के आते हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन में यू नो साउंड उतना अच्छी तरीके से निकल के नहीं आता, मतलब मज़ा वहाँ पे इतना नहीं आता है, लेकिन इंटरनल कंडीशन में यू नो साउंड का जो क्लैरिटी है जो क्रिस्प है वो काफ़ी अच्छा है। वेल कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड कनेक्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट, और ब्लूटूथ में भी मिलता है आपको 4.2 वर्जन का सपोर्ट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें मिलता है आपको विंडोज 10 का होम एडिशन का 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है जो व्यूइंग और यूजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका वो काफ़ी यू नो नीट एंड क्लीन और बहुत ही फास्ट है, क्योंकि SSD वेरिएंट स्टोरेज ड्राइव का सपोर्ट मिल जाता है आपको। वेल बैटरी की बात करें तो इसमें 2 बैटरी का सपोर्ट दिया हुआ है आपको 45W के आउटपुट के चार्जर के साथ में, और कंपनी का क्लेम है
कि फुल चार्जिंग के साथ में आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। अगर आपको हैवी काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बैटरी उतना तो नहीं मिलने वाला, बैटरी टाइम वहाँ पे सफ़र करता है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, कोई ऑफिस गोइंग पर्सन हो, या फिर कोडिंग प्रोग्रामिंग या फिर इस तरह के कोई नॉर्मल काम करते हो, तो आप लोगों के लिए ये लैपटॉप कमाल का है। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन हैवी है, लाइक हैवी गेमिंग, हैवी वीडियो एडिटिंग, हैवी फोटो एडिटिंग, अगर इस तरह का कोई हैवी एक्सपेक्टेशन है, देन डू लुक फॉर सम बेटर ऑप्शंस। इसका जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट प्राइस है ना, वो वेरी करता है समवेयर बिटवीन 45,000 से लेकर के 47,000 के बीच में। सो गाइस, ये था एक कंप्लीट रिव्यू ऑन Asus Vivo Book 14 विद AMD Ryzen 5 प्रोसेसर। वेल, वीडियो कर लो जल्दी से लाइक, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाते हुए, और हाँ, इस वीडियो को ना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।